हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सन एंड शाइन प्रोडक्शन। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये आज की जो वीडियो है ना, ये भी है जी ट्रेन पे। तो ट्रेन तो वैसी है जी इंडिया वालों का क्रश। तो चले आज इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ जी। बड़ी प्यारी सी वीडियो होने वाली है जी। तो उसका जो टाइटल है वो पढ़ के सुनाती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो सुन दे तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें। और कमेंट्स करके ये भी बताया करें आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पर क्या रिएक्ट कैसा लगता है। और कमेंट्स करके ये भी बताया करें कि कौन कौन सी ऐसी फेमस वीडियो है जिसपे हम लोग रिएक्ट करके हैं। और थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो चले वीडियो का जो टाइटल है वो है जी विजडम कोच ट्रेन जर्नी अराकू वैली टू विजिट इंडियन रेलवेज। तो चले जी विजडम कोच का भी आज टूर कर लेते हैं, कैसी है और किस तरह की है, इसमें शायद खाने का भी रिव्यू हो। तो चले इसका टूर देखते हैं, जो इसका इंटीरियर वगैरह सारा कुछ दिखाएंगे ही भैया लाजमी, तो वो भी देखते हैं। तो चले वीडियो को प्ले करती हूँ और देती हूँ अपना रिएक्शन, उसके बाद दूंगी अपना रिव्यू कि मुझे ये वाली ट्रेन कैसी लगी। पता है अच्छी तो लगेगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें ट्रेन ना पसंद है। तो चले ये तो बाकी तारीफें जो है ना ट्रेन की मैं वीडियो देखने के बाद करूंगी। तो चले जी लेट्स गो। स्वागत है आप सबका मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का मैं व्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ, देख लो अराकू से। हाँ जी, तो मैं अराकू आया था, स्लीपर क्लास से आया था। और अभी आपको बहुत ज्यादा ये वाइट लग रहा होगा, एक काम करता हूँ वाइट थोड़ा कम करता हूँ मैं। फाइनली मेरा ट्रेन भी पीछे आ चुका है और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ विशाखापट्टनम। इस वाले रूट को मैंने स्लीपर क्लास से तो दिखाया है किस टाइप का व्यू है, कैसा नजारा था। वैसे अराकू आकर हमारा प्लान था साइट सीन सब करने का, लेकिन ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो गया था, मतलब 1 घंटे तो लेट वहाँ से मतलब चला ही था ये, इसलिए टाइम थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया ना। नहीं तो हमारा प्लान था यहाँ पे साइट सीन सब भी करने का, खैर वो तो हो नहीं पाया। बहुत तेज हवा भी चल रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, अभी 3:30 बज रहा है और ये अपना ट्रेन भी आ गया। अरे अपना विस्टाडोम कहाँ है? पीछे ना, अच्छा अभी अटैच करेगा। तो ये देखो हमारा ट्रेन तो आ गया है, लेकिन हमारा जो विस्टाडोम कोच है वो है ही नहीं डब्बे के साथ। देखो उधर से आ रहा है अभी कोच, वो अभी इधर अटैच होगा। तो चलो अटैचिंग प्रोसेस में दिखा देते हैं। ये देखो हमारा विस्टाडोम कोच भी आ गया। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ विस्टाडोम कोच को, अभी अंदर जाके भी आपको दिखाएंगे। तो ये अपना कोच है देख लो। चलो अब टाइम आ गया है विस्टाडोम के अंदर जाने का और अंदर से आपको इसका एक टूर देने का। तो ये फर्स्ट टाइम विस्टाडोम कोच के अंदर, और यार इसको साफ नहीं किया गया है, जैसे आया है वैसे ही इसको भेज देगा। देखो बाय द वे देख लो कुछ ये सीन है, और ये ऊपर में जो व्यू वाला बनाया था ये तो पूरा ये हो गया है। तो देख लो कुछ ऐसा सीट है इसका, सीट तो मेरे को काफी कम्फर्टेबल लग रहा है। बाकी एक बार आपको पीछे वाला व्यू दिखा देते हैं। एकदम खत्म है, क्या कर दिया, पूरा बैंड बजा दिया। इधर देखो ना, नीचे देखो ना पूरा कैसे कर दिया इसको। मेंटेनेंस नहीं है। नहीं ये तो देखो, ये तो मेंटेनेंस का बात नहीं है ना, ये तो लोग इसको आदमी ऐसा आदमी किया है ना इसको। ये देखो ना कैसे कर दिया। कोई अगर इतना अच्छा चीज आता है, हमेशा बोलो कि नहीं रेलवे इस चीज का ध्यान नहीं रखता है, क्यों भाई? मतलब आप ऐसे तोड़ोगे ये सब, ऐसे गंदगी मचाओगे। गंदगी साफ हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ दोगे तो फिर उसको बार बार बनाने में भी तो खर्च लगता है ना। और एक चीज मैंने नोटिस किया, सबसे मेन चीज विस्टाडोम कोच का, इसका जो विंडो साइज है, विंडो साइज बहुत बड़ा है। इतना बड़ा विंडो मैंने किसी ट्रेन का नहीं देखा। दो सीट में एक विंडो दिया। ये वाला जो जगह है ना, ये सबसे बेस्ट जगह है, यहाँ बैठ के आराम से जर्नी करो। पीछे देखो यार अच्छा व्यू मिलेगा, लेकिन अब फैन भी देखो कोई तोड़ तोड़ के उधर कर दिया, घुमा दिया है। अब आपको दिखाते हैं इनका टॉयलेट। इधर आपका ये लगेज स्टोरेज है, अगर आपका लगेज वगैरह जो है ना आपको इधर रखना होगा, क्योंकि इधर आप देखोगे तो ऊपर में कोई भी ऐसा लगेज रखने का जगह नहीं बना हुआ है, तो आपको अपना जो लगेज है यहीं पे रखना पड़ेगा। बाकी टैप टैप में पानी है। विस्टाडोम का टॉयलेट, एक्चुअली मुझे हल्का भी होना है। तो देख लो कुछ ऐसा टॉयलेट है इनका। वैसे इनका टॉयलेट काफी बड़ा है, लेकिन लिक्विड है ना? नहीं यार लिक्विड नहीं है। इधर एक बड़ा सा मिरर, लेकिन मिरर को थोड़ा साफ सफाई का जरूरत है, अदरवाइज ठीक है, वॉशरूम क्लीन है। चलो अब टाइम आ गया है अराकू को बाय बाय बोलने का। देख लो एक बार अराकू को फिर से, यही तो फायदा है ना विस्टाडोम कोच का। वैसे ये जगह बेस्ट है, सारा टाइम तो नहीं बैठ सकता यहाँ पे, थोड़े देर यहाँ पे बीच बीच में कभी भी अच्छा व्यू आएगा तो यहाँ बैठकर एंजॉय कर सकते। ये पूरा ड्राइवर वाला व्यू मिल रहा है यहाँ से। तो धीरे धीरे हम लोग अराकू से दूर जा रहे हैं। इस वाले जगह
काफी अच्छा है, यूज अगर सही तरीके से किया जाए ना बहुत सही कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो आया है ये अराकू वैली स्टेशन है। जाते वक्त इस वाले जगह में हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कहीं हमें इधर तो नहीं उतरना है ना। अच्छा वो हम लोग उतरे नहीं तो फिर जाना पड़ता। नहीं नहीं ये जो पीछे देख रहे हो ना ये कोई टीवी वगैरह नहीं है, ये रियल में ये ट्रेन चल रहा है भाई। मतलब सच में ऐसा लग रहा है मेरे पीछे किसी ने एलसीडी लगा दिया। देखो बनाया तो काफी अच्छा सोच के गया है, लेकिन हाँ भाई गलती देखो दोनों साइड से है। लोग तो भैया है ही एक नंबर, मतलब चीज को बिगाड़ने में नंबर वन है। और दूसरा ये है कि मतलब थोड़ा सा ये भी रहता है ना, उनको भी पता चल जाता है यार इसको जितना भी बनाओ लोग खराबी कर देंगे, तो वो लोग भी बनाना छोड़ ही देते, तो ये सीन हो जाता है। साफ सफाई थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत है इसमें, बाकी तो ठीक है। व्यू के पूरे पीछे बैठे हैं और आप लोग इधर हो, तो सिंपल है, नीचे में एक लीवर मिल जाएगा, उसको बस प्रेस करना है, उसके बाद ऐसे उसको टर्न कर दो, बस सिंपल। क्योंकि मेरा डब्बा पीछे है, वैसे अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, बोतल होल्डर भी है और साथ ही आपको हैंड रेस्ट के नीचे मिल जाएगा अगर आपको खाना वाना मिल रहा है तो। मैंने देखा है बहुत सारे विस्टाडोम के कोच में ना खाना भी प्रोवाइड करते हैं, पता नहीं इसमें करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैं टिकट बुक कर रहा था तब कोई मील का ऑप्शन नहीं आया था। कौन से वाले विस्टाडोम में करते हैं कॉमेंट सेक्शन में। अंदर तो कुछ खाना पीना मिल नहीं रहा है, हम लोग जो ब्रेकफास्ट अपना पैक करवाए थे ना होटल में तो एप्पल उठा लिए थे चार पांच, अभी वो काम आ रहा है। पूरा जर्नी में हम लोगों ने बाहर का बस एक कॉफी पिया है, एक ट्रेन में पिया कॉफी और एक अराकू में पिया, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, सब होटल से ही लेकर आए। बाकी और कितने ही व्यू दिखाऊं आप लोगों को, आप भी लोग देख देख के पक गए होंगे एक ही टाइप का व्यू, लेकिन फिर भी देख लो। बाप रे स्टेशन तो 200 किलोमीटर नीचे, फाइनली स्टेशन पे आ गए यहां पे। एक्चुअल में ये हमारा सीट था, वो जो लोग बैठे हैं वैसे एक चीज है, ये जो हमारा वाला कोच है ना इसमें पैसेंजर ज्यादा है तो इनका चार्जिंग पॉइंट सब काम कर रहा है, और इस वाले कोच का एयर कंडीशन भी ऑन है, और वो जो देखो सामने में एलसीडी लगा हुआ है ना वो भी ऑन है। 8:15 होने को आया और ये वाला जर्नी यार बड़ा बोरिंग सा जर्नी लग रहा है, बस जल्दी से होटल पहुंचे ऐसा है, बहुत थक भी गए। अभी हमारा जो ट्रेन है ये सिमाचलम पहुंचा है, यहाँ से शायद 7 स्टेशन के बाहर तो आ गए हैं, और आते यार इतना जोर का भूख लगा है ना, जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट हुआ है उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, बीच में एप्पल खाया था, वही अभी एक रेस्टोरेंट के बारे में ट्रेन में बैठे बैठे देख रहा था तो पता चला, तो वहीं के लिए अभी उबर बुक कर लिया है मैंने। देखो कितना टाइम लगता है स्टेशन से वैसे तो होटल जाने का मन है, क्योंकि रात भर नींद भी नहीं हुआ है वीडियो एडिटिंग के चक्कर में, लेकिन बोला नहीं चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं उसके बाद जाके सोएंगे। ये स्टेशन से निकलते ही अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:54 हो रहा है, रेस्टोरेंट के लिए ले लिया है कैब हम लोगों ने, वहाँ से सबसे पहले डिनर करेंगे, पता नहीं वहाँ डिनर मिलता भी है कि नहीं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से डिनर करने के बाद ही अपने होटल जाएंगे। अच्छा तो ये वाइजैक का द्वारका नगर है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइक जैसे हमारे दिल्ली का है ना महिपालपुर लाइन से होटल सब है, तो यहाँ का भी कुछ वैसे ही सीन लग रहा है, और जिस रेस्टोरेंट में मैं जा रहा हूँ ना वो भी यहीं पे है। वैसे तो काफी सारा मैं लाइक रिव्यू पढ़ रहा था, ये ब्रेकफास्ट के लिए काफी सही है, डिनर के टाइम में मैं आ गया जो टाइम मुझे मिला, तो यहाँ करने वाला हूँ मैं डिनर, प्लान तो था ब्रेकफास्ट करने का लेकिन अब डिनर के टाइम में पहुंच गया तो वही कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। ये कुछ मेन्यू है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ का सीन क्या है ना, आपको ऐसा बिल बनाना पड़ेगा पहले, तो मैंने देख लो इडली मसाला डोसा पनीर डोसा ये सब लिया, ये देखो डोसा कैसे बन रहा है, छोले भटूरे का पूरी वाला आइटम भी बहुत लोग ले रहे हैं। वैसे एक बात बोलना पड़ेगा, रात के 9 बजे आया हूँ लेकिन अभी भी इडली डोसा खाने
खाने के लिए अच्छा खासा भीड़ है। मतलब हम लोग के वहाँ पे माइंड में कॉन्सेप्ट है ना कि लाइक इडली डोसा मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट, खास करके इडली। बट अभी हम लोगों ने डोसा लिया है, एक मसाला डोसा है, एक इडली है और एक तीन लेयर का कुछ घी डोसा है, रवा डोसा, नॉर्मल डोसा, सब मिक्स करके बनता है, तीन लेयर में बनता है वो। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, आप वहाँ पे पहले बिल बनाओ पीछे, फिर एक कूपन रहेगा उसको लेके यहाँ पर आओ। कोई जगह देखकर खाओ, हेलो करो ना। तो ये लगभग रात के 9 बजे ये अपना डिनर है। हाँ जी देख लो, ये अपना डिनर है, ये नॉर्मल मसाला डोसा है, ये इडली। इडली देखकर भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये 3-in-1 डोसा है, घी डोसा जिसको बोलते हैं। और साउथ में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है मालूम है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ खाना के साथ चाय भी मिलता है, तो ये चीज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है। तो अपना चाय भी यहाँ पे बन रहा है, देख लो मस्त। ये खाने के बाद चाय पियेंगे, उसके बाद ही होटल जाएंगे अपना। सबसे पहले इडली ट्राई करते हैं। चटनी देख के लग रहा है टेस्टी होगा ना, बहुत टेस्टी। इडली भी जैसा हम लोग को पसंद है ना, एकदम स्पॉन्जी सा, एकदम अच्छा इडली है। ये जो है थोड़ा स्पाइसी वाला चटनी है, लेकिन ये कमाल का लग रहा है। चलो अब इस 3-in-1 घी डोसा ट्राई करते हैं। जैसा दिखने से ये लग रहा है ना, काफी क्रिस्पी सा होगा। सर अगर आप लेयर देखोगे तो देखो थोड़ा मोटा लगा मुझे, तीन लेयर को मिक्स करके बनाया गया है सर, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। थोड़ा घी का एकदम भरा भरा सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। बहुत अच्छा डिसीजन था कि रात में मैं ये खाने के लिए आ गया। मेरा प्लान था कि होटल जाएंगे, होटल में कुछ ऑर्डर करके खा के सो जाएंगे। मैं देखा कि स्टेशन से बहुत करीब था ये, तो ये अपना डिनर आज का कंप्लीट करते हैं। डिनर तो अपना कंप्लीट हो गया है, साथ ही हम लोगों ने चाय भी ले लिया है। और चाय का कलर देखकर लग रहा है कि चाय काफी बढ़िया होने वाला है। एक बात बता दूं, काफी रीजनेबल भी है। कुछ जो हम लोगों ने खाया ना, इन सब का टोटल 200 रुपया भी नहीं हुआ है। ये चीज काफी सही है, सस्ते में आपको काफी अच्छा खाना भी मिल जाता है, पेट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने अपना डिनर किया, श्री साई राम पार्लर, मस्त डिनर था इनका। और सबसे अच्छा मुझे लगा इनका चाय। आज ही आप बोल रहे थे ना ट्रेन में कि गुप्ता का चाय मिल जाता, तो मिल गया गुप्ता का चाय। हाँ भाई, बढ़िया चाय का जुगाड़ तो मिल गया हमें। उबर वाले का फोन भी आ रहा है। हेलो, तो ये देख लो हमारा कैब आ रहा है, क्या फास्ट आ रहा है देख लो। जेल रोड में देख लो इनका, ये काफी मस्त सा मुझे जगह दिखा है, ये विशाखापट्टनम में। स्ट्रीट फूड का लाइक बहुत सारा छोटा छोटा कार्ट सब लगा हुआ है, छोटा छोटा फूड ट्रक भी है। भाई लंबा है यार, काफी अच्छा खासा। तो ये जो है भाई, तो ये जेल रोड है। कैसे हो मेरे रूम? हम लोग सोच रहे थे कि आकर बोलेंगे प्लीज थोड़ा क्लीन कर दीजिए, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ क्लीन है। कल रात में वो जो हम लोग विस्टाडोम का जर्नी करके आए, और साथ ही जो हम लोगों ने वो श्री साईराम पार्लर में जो डोसा, इडली, चाय वगैरह पिया, भाई वो सब मतलब खाकर तृप्त हो गए। क्योंकि पूरा जर्नी में हम लोगों ने बस वही ब्रेकफास्ट किया था, वो जो सुबह सॉसेजेस वगैरह पैक करवा के ले गए थे, तो हाँ वही थोड़ा सा खा के गए थे, बाकी सारा दिन भूखे हुए थे। और वहां जाके तो वैसे साइट सीन सबका प्लान था, लेकिन ट्रेन हमारा 1.5 घंटे लेट और आते वक्त भी 1.5 घंटा लेट, तो इससे और भी थोड़ा सा मतलब दिमाग खराब हो गया। जर्नी वगैरह करने में ही काफी थक गए। वैसे तो है काफी सीनिक रूट ये, अगर आप अराकू जा रहे हो तो ये विस्टाडोम से एक बार आप जा सकते हो। अदरवाइज विस्टाडोम का अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो आप स्लीपर या फिर 2S से भी जा सकते हो। जाते वक्त ले लो 2S का और आते वक्त विस्टाडोम करवा लो, क्योंकि मैंने देखा है आते वक्त विस्टाडोम आपको मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, भाई आते वक्त भी काफी अच्छा व्यू मिल रहा था। तो आप जाते वक्त नॉर्मली 2S या फिर स्लीपर में चले जाओ और आते वक्त विस्टाडोम में आ जाओ। खाना वगैरह तो कहीं हुआ नहीं, और ऐसा कुछ मील वगैरह इंक्लूड करने का ऑप्शन भी नहीं था ट्रेन में, ऑर्डर में कहां ही करता। चाय वगैरह तो आपको मिलेगा ट्रेन में, समोसा वगैरह भी मिल रहा था ट्रेन में, ऐसा बात नहीं है। बाकी अगर आप इधर आ रहे हो वाइजैक, तो श्री साईराम पार्लर में ब्रेकफास्ट जाकर जरूर ट्राई करना। वैसे तो रात में भी गए थे तो इडली डोसा सब चल रहा था, तो वो आप जरूर जाना वहाँ पे। शायद मैं विस्टाडोम कोच का मैं रेट नहीं बताया कि कितना पर हेड पड़ा, तो मैं बता दूं पर पर्सन 750 रुपया करके पड़ा है विस्टाडोम में। अगर आप स्लीपर से आते हो तो वो टिकट आपको 200 से 250 में हो जाएगा, और अगर आप 2S से आते हो तो 75-80 रुपए में आपका टिकट हो जाएगा। तो हाँ, विस्टाडोम से अगर आप आ रहे हो तो 750 रुपए करके पर पर्सन लगा। अब ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ले जी, ये भी ट्रेन बहुत ही खूबसूरत थी, प्यारी थी, और खूबसूरत होती अगर लोग इसका क्या कहते होते हैं बेड़ा गर्क ना करते। तो वैसे गलत बात है जी, एक खूबसूरत चीज मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए, उसको ना के खराब करना चाहिए। वैसे गलत बात है जी, उन्होंने देखा कारपेट का क्या हशर किया हुआ था, और उसकी सीट्स के जो हैंडल होते हैं ये वाले, उसको भी बिल्कुल ख़राब किया हुआ था। तो वो यही कह रहे थे कि ये चीज़ अच्छी है और खूबसूरत है, तो लोगों ने क्या किया हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केयरलेस होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो बहुत एहतियात करते हैं, एहतियात से बैठते हैं। तो जब इंसान को एक चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने दोबारा सफ़र करना होता है, तो उसको ख़राब करेंगे, तोड़े फोड़ेंगे, तो उसी में दोबारा जब आप बैठेंगे तो आप लोग ही उसको बातें करेंगे जी कि ये देखेंगे टूटा हुआ है, ये ख़राब है। तो जब आप उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे, उसके चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो नेक्स्ट जब बैठेंगे तब आप लोगों को भी अच्छा फील आएगा।
तो मुझे वो बैक वाला व्यू था वो बहुत खूबसूरत लगा कि बैक से वाकई ड्राइवर वाली फीलिंग आ रही होती है, और व्यू कितने प्यारे खूबसूरत थे। भैया ने वीडियो अच्छी बनाई हुई थी, थोड़ी बीच में फनी भी थी और अच्छी बातें कर रहे थे। बहुत विस्डाकोम कोच थी ये ट्रेन जर्नी थी, अराकू वैली से स्टार्ट हुई थी जी। तो बस वो भैया जी बोर होने लग गए थे, तो बाद में बस फिर उसमें ऐसा हुआ कि उनको खाना पीना कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोर हुए। और इतना ना रश भी नहीं था ट्रेन में, जिस कोच में रश था उसमें बैठे, उसमें सारा कुछ ऑन था, उसमें सॉकेट वगैरह भी चल रहे थे और एयर कंडीशनर सारा कुछ ऑन था। लेकिन जो दूसरा वाला बॉक्स था जिसमें बुकिंग वगैरह नहीं थी, उसमें बिल्कुल सब कुछ ऑफ था जी। जाहिर सी बात है जब जिसमें ज्यादा बुकिंग होगी वो चीजें ऑन रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो विस्डाडोम कोच थी ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चले आज की वीडियो के लिए इजाजत देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक बहुत सारा ख्याल। इसी तरह की और भी मजे मजे की वीडियो हो ट्रेनों की तो हमें लाजमी शेयर करना। तो चले आज की वीडियो के लिए इजाजत देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में तब तक बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। ओके जी, बाय बाय।